हेलो गाइस, मेरा नाम है सिद्धार्थ गिरुटी और आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज़ बनानी सिखाने वाला हूँ। बता देता हूँ कि ये कोई रेसिपी नहीं है, कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद या जब हम वापस बाजार में जाएंगे, अपने ड्यूटी पे जाएंगे, अपनी जॉब पे जाएंगे, अपने बिजनेस पे जाएंगे, तो ये जो चीज़ है ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है आने वाले कुछ टाइम के लिए। तो बताना चाहूँगा कि आज मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि आप घर बैठे बैठे बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम पैसों में कैसे मास्क बना सकते हैं। तो गाइज़, ये कैरी बैग मैंने ले लिया है, ठीक है। आप सभी लोग देख रहे हैं कि ये जो कैरी बैग है ये मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं आती इन कैरी बैग्स को मार्केट में लेने के लिए, और ये एक डिस्पोजेबल कैरी बैग है जो कि आपकी एनवायरनमेंट को कोई भी लॉस नहीं होने देगा। इजीली आप इसे मास्क को यूज़ करके डिस्पोज भी कर सकते हैं। इस कैरी बैग के साथ साथ बताना चाहूँगा कि मैंने लिया है काले रंग का धागा, और साथ ही में जो काले रंग का धागा लिया है ये भी बहुत सस्ता मार्केट में मिल जाता है, 3 या 4 रुपए मीटर ही आपको मार्केट में मिल जाएगा। और मैंने अभी जो मास्क बना करके ट्राई करे हैं उसमें मैंने देखा है कि 2 मीटर इस धागे में से मैंने जो है 3 मास्क तैयार कर लिए और फिर भी थोड़ा सा धागा बच गया था। खैर, वो धागा किसी यूज़ का नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि 2 मीटर धागे से मैंने 3 मास्क बना लिए, यानी कि अगर मैंने 3 रुपये मीटर भी ये धागा खरीदा है तो 6 रुपये में मैंने 3 मास्क यानी कि 2 रुपये का धागा लगा करके मास्क तैयार कर लिए हैं। कैसे मैंने मास्क बनाए हैं आपको बता देता हूँ। सो गाइस, जो थैला मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था उस थैले में से मैंने कुछ इस तरीके की जो प्लेट्स हैं वो काट ली हैं। मैंने कुछ ये 2 प्लेट्स काटी हैं, एक ये और एक ये, या फिर आप एक लंबी प्लेट काट करके इसको साथ में फोल्ड कर सकते हैं। जो मैंने साइज़ लिया है मास्क का अभी के लिए वो मैंने 9 इंची बाय 6 इंची की प्लेट का साइज़ लिया है, ठीक है, जिसको अगर मैं थोड़ा सा फोल्ड करके भी बनाऊँगा तो ईजिली ये जो है आपके फेस पर फिट बैठ जाएगा। तो आगे क्या करना है इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइज, इस मास्क को सभी साइड से आपने क्या करना है, सिल लेना है। जैसे कि मैं अभी दिखा रहा हूँ कि आपको ये मास्क आपने सभी साइड से जैसे ही आप सिल लेंगे इस मास्क को तो क्या होगा कि साइड में आप इसमें धागा भी ऐड कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको धागा दिखाया था। सो गाइज, ये जो मैंने अभी आपको धागा दिखाया था वो मास्क को चारों तरफ से बांध लेने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा धागा जो दोनों तरफ से टक लिया है उसे, ठीक है। और मैं भी आपको पहन के दिखाता हूँ कि काफ़ी जिस तरीके से बाजार से आप मास्क लेते हैं 30 या 40 रुपए का आपको मास्क मिलता है, ठीक है। और साथ में कई बार आप सोचते हैं कि अगर मैंने इतना ज़्यादा महंगा मास्क लिया है या फिर आप ज़्यादा महंगा मास्क लेते हैं तो आप क्या करते हैं उसे डिस्पोज नहीं करते, आप ये सोचते हैं कि मैं इसे वॉश करके या फिर कई लोग क्या करते हैं बिना वॉश किए उसे रेगुलर यूज़ करते हैं। तो इस मास्क को आप ईजिली बाहर यूज़ कर सकते हैं और घर के अंदर आने से पहले इसको ईजिली फेंक भी सकते हैं। तो बताना चाहूँगा कि जैसे कि अगर आप धागा लेते हैं और धागा आपके फेस पे बांधने में थोड़ा छोटा या बड़ा हो जाता है तो आप इस तरीके से उसे उसमें गांठ बांध करके इस तरीके से उसे छोटा कर सकते हैं और इजीली आपके फेस पे फिट आ जाएगा। थैंक यू सो मच।